हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त एनिमेटर शाइनी और आप सभी को मेरे चैनल शाइनी लव फॉर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हर वीकेंड में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे और हम लोग आज करंट अफेयर्स की फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी, फटाक से लेक्चर पर चले जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारे आज की जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, एज ए इंडियन आज हम लोग के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। तो कौन सी रॉकेट है फ्रेंड्स, इसकी नेम क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुई है जिसका नेम है विक्रम एस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस विक्रम एस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। तो रॉकेट की नेम क्या है फ्रेंड्स, रॉकेट की नेम है विक्रम एस। ठीक है, एक किसके नाम पर दिया गया है, ए दिया गया है, यानी इस रॉकेट की जो नेम है ए दिया गया है विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विक्रम एस के बारे में हम लोग क्या क्या जान पाते हैं। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जिसका नेम क्या है फ्रेंड्स, जिसका नेम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा देखने में आसानी हो। तो ये जो रॉकेट लॉन्च हुई है ये एक प्राइवेट कंपनी की प्रोडक्ट है। उस कंपनी की नेम क्या है, उस कंपनी की नेम है स्काई रूट एरोस्पेस और नेम ऑफ द मिशन क्या है, प्रारंभ। नेम ऑफ द मिशन प्रारंभ, द बिगिनिंग। ठीक है, एंड कहां से इसे लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है इसरो की श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से। फ्रेंड्स, आप लोग तो सब जानते ही हो, बेसिकली इसरो की जो रॉकेट लॉन्च होती है वो स्पेशली श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से ही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज के अंदर, इसकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है फ्रेंड्स, उनके नेम है नागा भरत झाका। क्या नेम है, नागा भरत झाका। ठीक है, और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, इट इज ए साब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट एंड कैरी 3 कस्टमर पेलोड्स। तो ये कैसा फ्लाइट है, एक है साब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि साब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट क्या चीज होती है। ठीक है, पहले आप लोग थोड़ा सा इस न्यूज को देख लीजिए। ठीक है, तो एक साब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है और ये कैरी कर रहे हैं 3 कस्टमर पेलोड को, और ये जो फ्लाइट है यानी ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसकी इंजन की नेम क्या है, इसकी इंजन की नेम है कलम 80। तो आई होप आप लोग सब समझ पा रहे हो कि क्यों इनकी ये इंजन की नेम कलम 80 है। हमारे जो ऑनरेबल पहले राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलम ने कलम के नाम पर ही इस इंजन का नेम दिया गया है कलम 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इस न्यूज को देख लिया, क्या क्या देखा फ्रेंड्स, हमारे आज हमारे इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट जो रॉकेट है वो लॉन्च हुई है, उसका नेम क्या है, उसका नेम है विक्रम एस। तो किसके नाम पर यानी किन के नेम पर ये रॉकेट की नेम है, वो है विक्रम साराभाई के नेम पर। एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप की प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, एंड ये जो मिशन है, मिशन की नेम है प्रारंभ, द बिगिनिंग। ऑब्वियसली फ्रेंड, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये हमारे इंडिया के लिए एज ए प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट के रूप में पहला है, तो इसके लिए इस मिशन का जो नेम है उसे भी दिया गया है प्रारंभ। उसके बाद कहां से लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई है इसरो श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से,
और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनके नेम है नागा भारत ढाका और इट इज ए साफ ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट एंड कैरी 3 कस्टमर पेलोड। और नेम ऑफ द इंजन क्या है? नेम ऑफ द इंजन है कलम 18। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके हो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये साफ ऑर्बिटल जो स्पेस फ्लाइट बोला जा रहा है, ये साफ ऑर्बिटल इसकी मीनिंग क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि साफ ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है। हम लोग तो देखे कि विक्रम एस एक साफ ऑर्बिटल फ्लाइट है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साफ ऑर्बिटल एक्चुअली किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज साफ ऑर्बिटल। ये साफ ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट अबव एटमॉस्फेयर एट ए हॉरिजॉन्टल स्पीड लगभग कितनी होगी 28,000 किलोमीटर पर आवर और उसके ज्यादा होगी, देन वी कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 28,000 से ऊपर होगी, यानी 28,000 यानी 28,000 पर आवर ऐसा कोई जब स्पीड होगी, तो उसी तरह की जो ऑब्जेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उससे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उससे अगर कम कोई भी स्पीड होगी उसको हम लोग बोलेंगे साफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी और साफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्चुअली क्या है। आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर और भी एक पॉइंट है ताकि हम लोग और भी आसान भाषा में इसे समझ पाए कि इट रेफर्स टू ए हाइट ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर। और हम लोग यहाँ पर 100 ना बोल के अराउंड 80-100 किलोमीटर बोलेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड इट्स स्पीड स्लोअर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमारे जो अर्थ है, अर्थ से हम उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो लगभग 80-100 किलोमीटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट हुई तो उसे ही हम लोग साफ ऑर्बिट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसकी जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हो साफ ऑर्बिट क्या है, और हमारे जो विक्रम एस जो रॉकेट लॉन्च हुई है वो एक साफ ऑर्बिटल फ्लाइट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट न्यूज जो है वो है कोचिन शिपयार्ड साइन ए मूव विद IWAI टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान वेसल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे नेक्स्ट न्यूज क्या है? हमारे नेक्स्ट न्यूज है कोचिन शिपयार्ड साइन ए मूव विद IWAI टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान वेसल। तो देखो फ्रेंड्स न्यूज तो बहुत सारी होती है, सब न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होती है। यहाँ पर जो न्यूज है वो इतना जरूरी हमारे लिए नहीं है, लेकिन जरूरी एक चीज है वो क्या है फ्रेंड्स? उसे ही हम लोगों को ढूंढ के निकालना है जिससे कि हम लोगों के एग्जाम में आसानी हो एग्जाम क्रैक करने। तो यहाँ पर जो न्यूज है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है फ्रेंड्स? वो है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखो ये जो टर्म है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है, यही है हमारे एक्चुअली पॉइंट, इसके ही लिए मैंने ये टोटल न्यूज को यहाँ पर लिखा है। तो चलिए देखते हैं ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्चुअली क्या होती है। तो व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल? हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज ए क्लीन रिलायबल efficient source of high quality electric power. क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज ए क्लीन रिलायबल efficient source of high quality electric power. अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन क्या है। हम लोग तो सब जानते ही है हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ आवर अर्थ एंड इट इज ए क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। देखो फ्रेंड्स हम लोग तो सब इस जो पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे
में उसके साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोग तो बार बार बोल रहे हैं ताकि हम लोग जो पोल्यूशन है इसे कम रखे, ताकि हमारे जो धरती है हमारे अर्थ को हम लोग बचा पाए। तो इसके लिए ही एक बहुत ही ज्यादा एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने इस न्यूज को यहाँ पर दिया है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट एवंडेंट एलिमेंट ऑफ आवर अर्थ एंड इट इज ए क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो एट फर्स्ट क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, उसके साथ है ब्राउन हाइड्रोजन, देन ग्रे हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट ब्लू हाइड्रोजन। तो कितने कितने हाइड्रोजन हो सकता है? चार टाइप की। एक है ग्रीन हाइड्रोजन, सेकेंड ब्राउन हाइड्रोजन, थर्ड ग्रे हाइड्रोजन एंड फोर्थ ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ये जो हाइड्रोजन है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। अगर इसमें से बहुत ही अगर टफ क्वेश्चन आ जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तब आप लोगों को बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जान रखो। ठीक है, तो इसके फ्रेंड्स अब हम लोग ये जो हाइड्रोजन के जो डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा ही हम लोग जान लेंगे कि ये हाइड्रोजन की डिफरेंसेस कौन सी है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक से क्लियरली देख पा रहे हो। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ये हाइड्रोजन की डिफरेंसेस कौन सी है। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन कहां से प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इट यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज लोअर कार्बन फुटप्रिंट। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इट यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज लोअर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्राउन हाइड्रोजन क्या है। इट यूजेस कोल। ठीक है, ब्राउन हाइड्रोजन। थर्ड है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस एंड एसोसिएट एमिशंस आर रिलीज इनटू द एयर। तो ग्रे हाइड्रोजन कहां से प्रोड्यूस होती है? ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से एंड एसोसिएट एमिशंस आर रिलीज इनटू द एयर, और उससे जो एमिशन निकलती है वो रिलीज हो जाती है एयर में। एंड ब्लू हाइड्रोजन इट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। तो ज्यादा हम लोग कुछ नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यहाँ पर एक इकोनॉमी की न्यूज है। न्यूज क्या है फ्रेंड्स? यूएस ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। क्या है फ्रेंड्स? टर्म देखिए, इस तरह की क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो क्या है? यूएस ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। ठीक है, ये तो न्यूज है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इस न्यूज को अच्छी तरीके से समझना होगा। व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेटर? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेटर। करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है, जो टर्म है ये एक्चुअली क्या है? करेंसी मैनिपुलेटर इज ए डेजिग्नेशन व्हिच इज अप्लाइड बाय यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये जो डेजिग्नेशन है ये कौन लोग अप्लाई करते हैं? ये अप्लाई करते हैं यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। किसके लिए? दी कंट्रीज दैट आर एंगेज इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस फॉर एडवांटेज ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री हम लोग किसको बोलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग ठीक से देख पा रहे हो क्लियरली। करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री हम लोग किसको बोलेंगे? वो कंट्री जो लोग एंगेज होते हैं किसके लिए? अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस के लिए फॉर एडवांटेज ऑफ देयर ट्रेड। इस तरह की जो कंट्री होती है इसको ही हम लोग करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री बोलते हैं। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री हम लोग किसको बोलेंगे? दी कंट्री दैट आर एंगेज इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस फॉर एडवांटेज ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री।
चलिए यहाँ पर और भी कुछ जान लेते हैं। एक करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्री आर्टिफिशियली लोअरिंग इट्स करेंसी टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। तो जो करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्री होती है वो लोग क्या करते हैं, दे आर्टिफिशियली लोअरिंग देयर करेंसी टू गेन एन एडवांटेज ऑफ अदर। ठीक है, उसके बाद लोअरिंग वैल्यू ऑफ करेंसी लीड्स टू रिड्यूस दी एक्सपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम दी कंट्री। तो किसके लिए वो लोग इस तरह की हरकतें करती हैं, इसके कारण यहाँ पर है लोअरिंग दी वैल्यू ऑफ करेंसी लीड्स टू रिड्यूस क्या दी एक्सपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम दी कंट्री। ठीक है, आई होप आप लोग अब समझ चुके हो किसे कहते हैं करेंसी मैनिपुलेटिंग करना। ठीक है, और हमारे इंडिया को यूएस ने अभी अभी ये जो करेंसी मैनिपुलेटिंग जो लिस्ट थी वहां से बाहर निकल दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोग समझ चुके हो किसे कहते हैं करेंसी मैनिपुलेटिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज काफी देर हो गई है, यहाँ तक हम लोग आज की फर्स्ट पार्ट को खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स की नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, और ये जो 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 चीज मैंने पढ़ाए हैं उसे फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।